हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि जब आप एक्सपोर्ट शिपमेंट करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कब मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और साथ में एक चीज़ ऐड कर देता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग करके या जॉब करके आप पैसा कमाना, तो हम आपके लिए लेके आए बहुत ही कम कॉस्ट में फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स, जिसमें आप कम्प्लीटली फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क आप सीख पाएंगे। जैसे कि कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, कहाँ से आपको वेंडर्स मिलेंगे, कहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे और कैसे आप कमीशन ऐड कर पाएंगे, कैसे कंटेनर बुक करना है, मतलब ए टू जेड जितना भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है सारी चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। और जो कोर्स का प्राइस रहेगा 2500 रुपये रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई भी कॉस्टिंग आपको लगने वाली नहीं है इस कोर्स के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड है डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और अपना बिजनेस या जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमें एक्सपोर्टर से चाहिए होता है वो होता है इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। ठीक है, इसके आधार पे फिर सीएचए आपको क्या बना के देता है, चेकलिस्ट। ठीक है, ये किससे मिलेगा आपको, एक्सपोर्टर से। ये आपको किससे मिलेगा, सीएचए से। ठीक है, थर्ड हो गया। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो बनेगा बुकिंग। कोई भी शिपमेंट जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बुकिंग चाहिए कंटेनर की, वो आपको मिलेगी शिपिंग लाइन से। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका वीजीएम, ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, फिफ्थ आपका हो गया शिपिंग इंस्ट्रक्शन, ये आपको खुद बनाना है। बीएल ड्राफ्ट या फिर फर्स्ट प्रिंट। ठीक है, सेवंथ आपका इनवॉइस। अब आप सोचेंगे इनवॉइस तो हमारा पहले भी आ गया, लेकिन ये इनवॉइस होता है एक्सपोर्टर से जो हमें मिलता है, और ये इनवॉइस हो गया वो बिल जो कि आपने शिपिंग लाइन से बुकिंग लिए उसके लिए जो हमें पे करना है। ठीक है, जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है वो, ये हो गया आपका जो कार्गो एक्सपोर्टर है उसका, ये हो गया इनवॉइस। एट्थ आपको बिल ऑफ लेडिंग, जैसे आपको बिल ऑफ लेडिंग मिल गया उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ख़त्म हो गया, इसके बाद हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये आपको मिलेगा शिपिंग लाइन से। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है शिपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें और भी चीजें मैं ऐड कर देता हूं, जैसे कि फॉरवर्डिंग नोट, यहां पे मैं एक चीज भूल भी रहा हूं, यहां पे मैं एक चीज मिस कर दी है मैंने, यहां पे आपका हो गया शिपिंग बिल। ठीक है, ये जो चेकलिस्ट आप अप्रूव करते हैं उसके बाद जब आपका कस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स फाइनल होता है जिसे हम लोग लियो एक्सपोर्ट कॉपी बोलते हैं, शिपिंग बिल बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं शिपिंग बिल। ठीक है, फॉरवर्डिंग नोट और यहाँ पे फॉर्म 13। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप याद कर लीजिए, आपको कोई भी शिपमेंट जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें और चीज़ ऐड कर दूंगा, जब आप हैज कंटेनर करते हैं तो आपको यहाँ पे हैज डिक्लेरेशन भी चाहिए होता है, या आप कौन बनाएगा, आपको खुद बनाना है और देना किसको है, शिपिंग लाइन को। ठीक है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना भी चुका हूँ, तो ये स्टेप्स मैं दोबारा से अभी चालू कर रहा हूँ जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ आ पाए, क्योंकि शिपिंग लाइन के क्या है जो डॉक्यूमेंट्स वर्क है और जो
फॉर्मेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और किस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। और नेक्स्ट पार्ट है उसका मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपको प्रॉपरली आपको स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इसका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। इनके फॉर्मेट्स आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे आप मेरी वेबसाइट देख रहे होंगे। और किसी को भी अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग का डॉक्यूमेंटेशन वर्क सीखना है तो मेरे को डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके पूरा फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में हम लोग जो है कोर्स दे रहे हैं, जिससे आप कम कॉस्ट में अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन में कैरियर आप बना पाएंगे फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर, और अच्छा खासा जो कैरियर अपना सेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।